गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका मनोज सर राइजिंग ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। बच्चों, कभी कभी वीडियोस रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ आप सबका एग्जामिनेशन है, आप सब काफ़ी प्रिपरेशन में बिल्कुल सीरियसली इंगेज हो और उम्मीद करते हो कि मेरा वीडियोज़ आपको कंटिन्यूस मिलता रहे, मैं समझ सकता हूँ। और टेंथ के बच्चे ज़्यादा सीरियस मुझे दिखते हैं, मेरे पास जो कम्युनिकेट होते हैं, इनफैक्ट वो छोटे बच्चे हैं अभी, तो ट्वेल्थ के बच्चे से ज़्यादा मुझे टेंथ के बच्चे का इन्फॉर्मेशन आता है कि सर वीडियोस कंटिन्यूस अलग अलग चीज़ का डाला जाए। तो ठीक है, मैं जनरली वीक में 3 या कम से कम 2 वीडियोस डालने का कोशिश तो करता ही हूँ कि आपको 2 तो कम से कम मिलता रहे, लेकिन समटाइम्स 4-5 डेज का गैप हो जाता है, मैं बिल्कुल बहुत बिजी हो जाता हूँ कुछ कारणों से। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी अब जो भी थोड़े से फ्यू डेज रह गए हैं उनमें आपको कंटिन्यूस सर्व कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे अपने होम टाउन देवघर झारखंड से आईसीएसई बोर्ड के लिए अलग अलग चैप्टर्स का कुछ मॉडल पेपर, कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है सैंपल पेपर को सॉल्व किया जाए, कुछ स्पेशल टॉपिक्स मेंसुरेशन सर्कल्स और कुछ हर टॉपिक्स का थीम कंसेप्ट बताया जाए। तो मुझे अब आपका बुक अब कल अवेलेबल हो चुका है और मैं अब कल से ज़रूर आपके लिए भी वीडियोस में जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करूँगा और जो जो रिक्वायरमेंट है मैं मॉडल पेपर भी बताऊँगा, सैंपल पेपर जो एग्जाम्स में आते हैं हर टाइप के 1, 2, 3, 4 मार्कर्स वगैरह के, और कुछ हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है हर एक टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उस तरह के चीज़ों को भी लेकर चलूँगा, और कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक सम स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो भी करूँगा। तो एक चीज़ पहले ये ज़रूर है बच्चों आईसीएसई के भी कि जो सीबीएसई में सिलेबस है वही काफ़ी हद तक वो आईसीएसई में भी है, तो कंसेप्ट और सवाल भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जो भी आप ये मत समझो कि हमें स्पेशल तौर पर ये टॉपिक्स अब कैसे कवर होगा इतने कम समय में, जो टॉपिक मैं सीबीएसई में बना चुका हूँ उसको आप लोग वहाँ से देखो, बिल्कुल देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बढ़िया रहेगा और आप तकरीबन सभी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। स्पेशल जो मुझे अलग से अब क्वेश्चंस दिखेगा, अगर कुछ कंसेप्ट दिखेगा उस जो सीबीएसई में नहीं कवर्ड हो तो वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाकर सर्व करूँगा। ठीक है, तो अब मुझे बुक मिल चुका है और अब ऐसे डिले नहीं होगा। इसके बाद आज मैं आपको फिर से क्लास टेंथ का ही, क्योंकि मैं क्लास टेंथ के लिए अपने जितने भी डिजिटली कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत सारे मेरे फेसबुक 3 अकाउंट हैं उनमें राइजिंग ट्यूटोरियल फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम में राइजिंग ट्यूटोरियल के नाम से आईडी है, यूट्यूब आप जिनमें मैं हूँ अभी आपके साथ कम्युनिकेट हूँ राइजिंग ट्यूटोरियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, मैथमेटिक्स पॉइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इन सबों में मैं क्लास टेंथ का मैक्सिमम सैंपल पेपर्स और जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो मैं आपको डालते जा रहा हूँ। एक चीज मैंने कई बार पहले भी कहा था और अभी भी सेम रिपीट करना चाहूँगा कि आपका बहुत प्यार मुझे मिलता है, सपोर्ट रहता है, आप इंटरेस्टेड हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ जब मुझे कोई वीडियोस में व्यूज आता हुआ दिखता है तो बाय हार्ट कहता हूँ मैं आपको, तो मुझे जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है। और नो डाउट नया चैनल है, स्पेसिफिकेशन है कि आपके लेवल के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो उनमें थोड़े से जिनको ज़रूरत है या जो इस टाइप के लेवल में होंगे वही उसको देखेंगे, वही उससे इंटरेस्ट लेंगे, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी मुझे आपका प्यार कंटिन्यूस चाहिए। और अगर आप मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे रिलेटेड व्यूज बिल्कुल आ रहे हैं तो मैं जल्दी से फिर दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको प्रेजेंट करता हूँ। और
नया चैनल है, अगर आप मुझे व्यूज भी देखोगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो थोड़ा सा मॉरल मेरा डाउन कहीं कहीं हो जाता है। इसीलिए उसे मुझे भी आप लोग बूस्ट बना के रखो, ये उम्मीद है आपसे, है ना। और उसके बाद तो मैं आपको प्रेजेंट कर ही रहा हूँ एक एक करके। देखो मैक्सिमम मैं क्लास कितने सारे अभी कॉलेजेस से भी मूव हो चुका हूँ, कॉम्पिटिशन्स वाले से भी मूव हो चुका हूँ, और आपको क्लास टेंथ को मैं मैक्सिमम सर्व कर रहा हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हो, और उसके बावजूद भी अगर हमें व्यूज मिलता रहेगा, और सबसे पहले हर जगह आप राजेंद्र ट्यूटोरियल के फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ो, आप मैथमेटिक्स पॉइंट को भी फॉलो करो, हर जगह आपको दिखेगा। मैं ये नहीं कहता फेसबुक अकाउंट में मेरे फ्रेंड बनो, उसके लिए ऑल तीन अकाउंट में ऑल 15,000 फ्रेंड फिलअप है, फुल हो चुके हैं, तो वो वहां पे नहीं। आप जो भी है राजेंद्र ट्यूटोरियल के इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है ना। और जैसे व्यूज मुझे मिलते हैं मैं आपको जल्दी से जल्दी फिर सर्व करता चला जाता हूँ, और ऐसे करता भी जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ समटाइम्स कि अरे अभी तो बहुत कम व्यूज वगैरह आए हैं, ऐसे में कैसे कंटिन्यूस रोज के रोज वीडियो बनाऊं, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक दिन आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th CBSE से अरिहंत बुक से, जो इस बुक में, और मैंने दिखलाया था कि ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, और अरिहंत के तकरीबन सभी बुक अच्छे लगते हैं, राइटर सभी बहुत अच्छे होते हैं, उन सबों का कंसेप्ट अलग अलग टाइप से होता है। कोई 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के बनाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह को लेकर बनाते हैं, तो डिफरेंट एग्जामिनेशन के टाइम में अलग अलग। इनमें जो शुरू में अरिहंत ने किया है, हर चैप्टर का एक रिव्यू, एक रिवीजन से रिलेटेड थोड़े थोड़े एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 और लॉन्ग आंसर टाइप, ये सभी चूज किए हैं 1, 2, 3, 4 मार्कर। और इनफैक्ट एक टॉपिक पे जितने रिलेटेड डिफिकल्ट और ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन्होंने लिया है, और लेकर, और मैं हर चैप्टर का एक एक करके सॉल्व करता हूं। एक दिन मैंने अभी एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो ऑलरेडी मेरा लास्ट अभी वीडियोस है आप उसको देखना, उनमें 17-18 क्वेश्चंस थे, और उस दिन मैं स्टार्ट करके ऑल 17-18 क्वेश्चंस को कवर कर दिया था, राइट स्टूडेंट्स। आज मैं एक दूसरा टॉपिक उठाता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनमें 12 क्वेश्चंस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑल 12 क्वेश्चंस अभी मैं आपको सर्व करूंगा, आप बिल्कुल बने रहना। और इन 12 क्वेश्चनों में हर टाइप्स इन्होंने कवर कर लिया है, राइट, जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। आप देख सकते हो लास्ट के 5 to 10 years वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो, तो जो भी कंसेप्ट वो अप्लाई हुआ है उन क्वेश्चनों में वो इन्होंने ले लिया है। तो मैं आज इन सारे क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आईसीएसई के बच्चे आप लोग भी देखो, ये मत समझना कि ये सीबीएसई के लिए सर ने बनाया है तो ये हमारे लिए नहीं है, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप में भी है तो आपको देखना चाहिए और देखो, ठीक है। और जैसे स्पेशल रिक्वायरमेंट भेजते रहते हो वैसे मुझे भेजो, उसमें कोई सूझ नहीं है। थोड़े से मैं डिफरेंट कामों में एंगेज हो जाता हूँ, अभी मेरी डॉक्टर का भी प्री बोर्ड का एग्जाम 10th का है, उसमें भी एंगेज, एक कोचिंग सेंटर खोलने का प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाता है, तो एंड सो दैट। और सबसे मेन है आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, व्यूज मुझे मिलता रहेगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी सब करता रहूंगा, राइट बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको इसका ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैं वीडियोस पहले भी बनाया हुआ हूं, है ना, लेकिन वो उसमें मैंने एनसीईआरटी को पढ़ाया हुआ है। एनसीईआरटी में जो भी हमारे एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज को मैंने डिस्कस किया है 4.1, 2, 3, 4 ऐसे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहां तक मुझे याद है सब कुछ बताया हूं, और शायद थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम भी बताया हूं।
अभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फिर कभी और एक बार वर्ड प्रॉब्लम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा लूंगा। तो उनमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जो अभी कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। तो आपको उस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी आप स्टडी कर लेना, ठीक है। और इस तरह से जब आप बेसिक उसको ऑलरेडी पढ़ जाओगे तो फिर दोबारा मुझे ये सब और कहने की बात नहीं है कि हमने क्वाड्रेटिक में क्या क्या पढ़ा। ये एक इजी टॉपिक में ही कंसीडर किया जाता है, ये एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। हाँ, इनके वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ट्रिक्स जरूर होते हैं और इनफैक्ट जो ट्रिक्स हैं वो आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा के अगर बुक को आप स्टडी करते हो तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उनमें, तकरीबन 75 क्वेश्चंस हैं अभी रिसेंट आरएस अग्रवाल के बुक में एक्सरसाइज में, और वो वेरियस क्वेश्चंस अलग अलग हैं, जनरल क्वेश्चंस अलग हैं, एजेस के ऊपर अलग है, पाइप एंड सिस्टर्न अलग है, टाइम एंड डिस्टेंस अलग है, टाइम एंड वर्क अलग है, अब उसके बाद फ्रैक्शंस के ऊपर में अलग है। तो इस तरह से हर एक ग्रुप में और डाउन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वगैरह का इस तरह से बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस हैं। अगर आप टाइम लगा पाते हो, देख पाते हो, तो आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस को जरूर देखो, उनमें बहुत बेहतर तरीके से उसके क्वेश्चंस, और अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम हो तो उसके एग्जांपल क्वेश्चंस देख जाओ, 33 क्वेश्चंस एग्जांपल्स में है, तो उनको वो क्वेश्चन भी आपको काफी हेल्प पहुंचाएगा। खाली एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये एनफ नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि जो चीज अभी हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे अभी ऐसे आवाज आ रही है, सिचुएशंस बिल्कुल अभी ठीक नहीं है, कोविड को लेकर दूसरा फेज बिल्कुल सीरियस चल रहा है, बट क्या होना है, एग्जाम्पन होना है कि नहीं होना है, किस पैटर्न पे होना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, अभी इस पर आप बिल्कुल मत जाओ। बहुत सारे डिमांड उठ रहा है, बहुत सारे स्टेट में उसको कैंसिलेशंस वगैरह का भी आ रहा है, अभी यहाँ पे क्या करेगा, दिल्ली में क्या होगा और दूसरे स्टेट में क्या होगा, आप इन पर प्लीज प्लीज बिल्कुल मत जाओ। आपको सीरियसली एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन उसी डेट के अकॉर्डिंग और आपको उसी को फाइनल समझते हुए आपको रखना है, करना है। हाँ, एक चीज आप ये जरूर सोच सकते हो, इसमें मैं आपका सपोर्ट में हूं, कि कई बार जैसे लास्ट ईयर जो हुआ था कि कुछ पेपर्स के एग्जाम हुए, 2-3 पेपर्स के एग्जाम्स हुए और बाद में कोविड के कारण से बाकी एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो पहला जो 3 एग्जाम्स हुए उनका जो एवरेज मार्क्स आया वही उसी टाइप का एवरेज मार्क्स बाकी के एग्जामों में लगा दिया गया। तो नो डाउट एक चीज ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले का शुरुआत जो 2-3 एग्जाम्स होंगे उसमें फुल एफर्ट लगा दो, फुल ऑफ एफर्ट लगा दो, बिल्कुल उसमें 95 से लेकर 100 और जो जिस लेवल के बच्चे हो जितना बेस्ट कर सकते हो उसको करो। बाय द वे, खुदा न खास्ते अगर एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन हो गया तो वो जो पहला 3 पेपर का तुम्हारा एवरेज है उस टाइप के एवरेज लग जाएंगे। ये चीज तुम जरूर सोच सकते हो, कर सकते हो कि पूरा एफर्ट हम पूरा एक एक बिट बाय बिट। एनसीईआरटी तो बहुत सारे लोगों का कंसेप्शन ये है, 10th और 12th के बच्चे मुझसे कंसर्न भी करते हैं कि सर आप बताइए आपका आपका जो ग्रुप के टीचरों के साथ में कैसा डिस्कशंस होता है, या आप लोगों का क्या मानना है कि एनसीईआरटी। देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सेटेड तो नहीं है, एक से एक दिग्गज लोग सीबीएसई में बैठे हुए हैं, तो हम कैसे ये डिसाइड करके कह सकते हैं कि नहीं सिर्फ एनसीईआरटी ही पूछा जाएगा। एक एजम्पशन कहा जा सकता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, प्रॉपर तरीके से टीचर नहीं ये कर पाए, स्टूडेंट बिल्कुल बॉदर्ड होके पूरे साल में रहा है, बहुत वरीड रहा है ना, तो इसमें स्टूडेंट को बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। स्कूल को जो करना था, फीस लेना था या जो करना था, जो सिचुएशंस थे वो तो हुए, अल्टीमेटली लॉस स्टूडेंट और पेरेंट का हुआ है, अल्टीमेटली स्टूडेंट सफर किया है, और जितनी नॉलेज उसको गेन होनी चाहिए जो कंटिन्यूअस स्कूल जाकर होता,
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है जो बच्चे, और कोई इसमें बुराई नहीं है, जो अच्छे टीचरों से गाइडलाइन लेता है, वह सब काफी बाधित हुआ, काफी रुका। तो इसमें बच्चे का जो कंसेप्ट था इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, जिस लेवल में प्रिपरेशन होना चाहिए, अब वो सब उसको बॉदर्ड होगा, टेंथ के बच्चों को इलेवेंथ में हो जाएगा, इलेवेंथ में ऐसे ही सिलेबस लेंदी होता है, वो क्या संभालेगा। तो वो काफी सफर किया है। तो अब ये सब सोचने समझने का अभी कोई टाइम नहीं है। और ये भी नहीं मानो कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे अभी डर के एनसीईआरटी को खाली फोकस कर लिए हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है बाहर के भी क्वेश्चन होंगे, क्यों नहीं होंगे। दूसरे एंड में अगर आपको पॉजिटिव एंड में अगर सोचा जाए तो आपको 15 महीने टाइम मिले पढ़ने के लिए, वो भी जब आप स्कूल जाते आते थे, स्कूल से आपको नहीं मिला, ये मैं बिल्कुल कहता हूं, मानता हूं। लेकिन दूसरे एंड में आप ये देखो कि आपको 15 महीने टाइम मिले हैं, तो आपको स्कूल नहीं जाना पड़ा है, वो पूरा टाइम आप घर में पढ़े होगे, ये आपको पढ़ना चाहिए था। तो इसे लेकर बाहर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तभी मैं रेफर करता हूं कि अरिहंत का देखो, ओसवाल का देखो, सतीश का देखो, और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस देखो, नहीं तो कम से कम एग्जांपल क्वेश्चंस देखो, 10 ईयर सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पेपर देखो, मॉडल पेपर देखो, यू लाइक देखो। अब इतनी सारी चीजों में आप बोलोगे सर आप, मैं तो उलझ जाऊंगा, ये स्टूडेंट हम तो ये स्टक हो जाएंगे, इतने सारी चीजों पर नजर डालेंगे। हर एक चीज का टाइम होता, सक्सेस एक दिन में आज आप देखोगे तो नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस आपको देखना चाहिए था। और अगर अब नहीं देखे तो अब इस तरह का बुक्स जो 10 ईयर है वो तो आपको बना के जाना ही चाहिए, 10 ईयर बना के जाना चाहिए, और कम से कम 5 सैंपल पेपर विद इन टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हो। हर मैथमेटिक्स का ले लो, यू लाइक ले लो, और उसमें सॉल्व अनसॉल्व पेपर को बना के 5 सैंपल पेपर तो जरूर बनाओ, जिसको 2.5 घंटे में से लेकर 2.5-3 घंटे में, अगर 3 घंटे का टाइम पीरियड है तो 2.5 से 2.75 घंटे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये काबिलियत तो लाना ही पड़ेगा, और उसी में आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी दिखेंगे। सो थोड़े क्वेश्चंस बाहर के हो सकते हैं, सभी डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, और एग्जामिनेशन उसी टाइम में होने की पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारा इश्यूज है कि वो अभी एग्जामिनेशन कैंसिलेशन नहीं कर सकता, बच्चे का हेल्थ तो है ही है, दोनों बातें हैं, पूरी तरह से है। लेकिन अभी बच्चों मेरा फाइनल यही कहना है कि आप इसी डेट को फाइनल समझो, और पूरे सिलेबस आपको बढ़िया से तैयार करना है, और हर जगह से करना है। एनसीईआरटी तो आपने कब का पढ़ रखा होगा, तो अभी इन दिनों में तो एडिशनली पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉडल पेपर को विद इन टाइम सॉल्व करना चाहिए, और पहले 2-3 पेपर को आप बिल्कुल काफी ज्यादा फोकस कर सकते हो। यही मेरा 2-3 पॉइंट है, पहले 2-3 पेपर को ज्यादा फोकस कर लो, 5 पेपर 2.5 घंटे से 2.75 घंटे में सॉल्व करने की काबिलियत रखो, ठीक है, और एग्जामिनेशन इसी डेट में होगा, इसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी जो चेंजेस आ जाए, कैंसिलेशन हो जाए, वो एक अलग बात है, बट अभी उस ये में मत रहो कि ज्यादातर स्टेट कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वो आपके पेरेंट का काम है, वो आपके टीचर का काम है, वो आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगा एवरीडे अपडेशन में, आपके पेरेंट आपको बता देंगे कि बेटा ये हो गया, या हम लोग आपको यूट्यूब पे बता देंगे, आपके स्कूल के टीचर आपको कम्युनिकेट कर देंगे। आपका काम पढ़ने का है, आप पढ़ने से मतलब रखो, ठीक है, और समय से तैयार रहो, बस इतना ही कहना है। तो बच्चों अब ये सब जरूरी होता है, थोड़ा कम्युनिकेशन और मोरल बूस्ट है ना, तो होना जरूरी होता है बच्चों का कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट बिल्कुल हो तुम लोग, मैं समझता हूं, क्योंकि जो बातें मेरे से कम्युनिकेट होता है वो तो मुझे लगता है कि ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारे, ये कोई कम नहीं पढ़ने वाले बच्चे का मैसेज मुझे नहीं दिखता। तो जाहिर सी बात है, उसे इतने 22-25 सालों का तजुर्बा है, तो मैं देखता हूँ सब टू दी पॉइंट वाली बातें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बातें या ऐसे वैसे वाली बातें ही लिखते हो। तो ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 MCQ है, वो कभी बाद में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है
कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 root 5 x square प्लस 25x और माइनस 10 root 5 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पे सबसे पहले ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वेरी VSA, और ये वन मार्कर क्वेश्चन है। हमें फैक्टराइज के अकॉर्डिंग x का वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड ये हो जाएगा 10 into 3, 30 root 5 मिलकर 5, तो 150x² माइनस के, तो 150x² माइनस में, और ये 25x जो है इसके दो फैक्टर। अब 25x के दो फैक्टर जिसको एड सब्ट्रैक्ट करने से 25x और मल्टीप्लाई करने से माइनस 150 आना चाहिए। तो देखो अगर सिर्फ 25 सोचोगे तो क्या हो सकता है, एक तो 15 और 10 हो सकता है, 25 हो गया और 150 भी हो गया मल्टीप्लाई करने के, लेकिन उनमें प्लस 150 आएगा, हमें चाहिए माइनस 150, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो 30 और 5 है ना, इससे ऊपर वाला एक टर्म लेना पड़ेगा, तो 30 माइनस 5 किए तो 25 हो गया, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 root 5 x² और प्लस 30x माइनस 5x और माइनस 10 root 5 इक्वल टू 0। और अब ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखो एक 3 तो आ ही रहा है कॉमन इन दोनों में, अब यहाँ पे 10 बचता, 10 को फिर हम 5 into 2 कह सकते थे, उस 5 में root 5 into root 5 था, तो एक रूट 5 भी कॉमन हो गया, एक x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 root 5, क्यों, 3 2 6 हो गया और root 5 मिलकर 5 हो गया, 6 5 30, और x तो हम ले चुके हैं है ना, और इनमें माइनस 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा और प्लस 2 root 5 और इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 root 5 और इंटू 3 root 5 x - 5 इक्वल टू 0, और ये एक ही लाइन में दो बार इक्वल टू नहीं देना चाहिए, इसलिए इट इम्प्लाइज हम देंगे, और इस तरह से हमारे पास x प्लस 2 root 5 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 3 root 5 x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों को अलग अलग फैक्टर्स हमारे पास हो गए, अब इनको 0 से इक्वेट किया हमने, और इस केस में x इक्वल टू माइनस 2 root 5 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और एक दूसरा यहाँ पे x इक्वल टू 5 by 3 root 5 हो गया, और इसमें √5 into √5 है, तो अल्टीमेटली √5/3 हो गया, तो देयर फोर x इक्वल टू -2 root 5 और कॉमा √5/3, ये दोनों ही हमारे x के आंसर हो गए। ठीक है राइट, अब हम लोग आते हैं यहां पे, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ, अब ये है शॉर्ट आंसर टाइप। राइट, और ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो ये है x upon x plus 1
x upon x plus 1 और प्लस x plus 1 upon x और इक्वल टू 34 upon 15 तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले, यहाँ पे थोड़ा हमें ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है। क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद का जो कंडीशन होता है उसके बाद जो बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर वो कोई पैटर्न को फॉलो करता है तो वो उन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर वो इसका न्यूमरेटर है। इसका मतलब लेट अगर हम लोग एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, वाई जेड टी पी कुछ भी, तो ये हमारा 1 upon y हो गया, तो देयरफॉर ये हो गया वाई प्लस 1 upon y इक्वल टू 34 upon 15 और इस तरह से ये y हो गया ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 34 upon 15 और तब ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 into 15 है ना। तो डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि 15 से मल्टीप्लाई ही कर दिए और इक्वल टू 34y और अब ये 15y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारे पास 225, तो 225 तो माइनस 25 और माइनस 9 माइनस 34 हो गया और माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 9 225, तो 15y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 9y और प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5y कॉमन ले लेंगे तो 3y हो जाएगा और माइनस 5 3y माइनस 5 ठीक है, तो 5 3 जा 15 हो गए और ये हो गया 5 5 जा 25 और माइनस 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 5 अब ये हो जाएगा 3y माइनus 5 और इंटू 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दूसरे एंड में अब यहाँ पे 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस केस में y इक्वल टू 5 upon 3 और इस केस में 3 upon 5, तो ये दो सिचुएशंस हो गए y इक्वल टू 5 upon 3 और 3 upon 5। तो ये तरीका शॉर्टकट तरीका हुआ और इसमें इजीली हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब केस वन हम पुट कर रहे हैं, केस वन 5 upon 3 पुट करेंगे राइट। तो जब हम x upon x plus 1 इक्वल टू 5 upon 3 तो ये हो गया 3x इक्वल टू 5x प्लस 5 और ये 3x माइनस 5x माइनस 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू माइनस 5 upon 2। एक सिचुएशन ये हो गया और दूसरा सिचुएशन केस 2 जब करेंगे तो x upon x plus 1 इक्वल टू 3 upon 5 x upon x plus 1 इक्वल टू 3 upon 5 और ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 3x plus 3, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 upon 2। ये दो आंसर आ गए, देख लो। बिल्कुल 3 upon 2 और माइनस 5 upon 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का शॉर्ट आंसर टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x+1 अपॉन x-1 और +x-2 अपॉन x+2 x+2 = 3 अब देखो यहाँ पे हमारा कोई पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है कि इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एलसीएम ही लेना होगा x-1 × x+2 और यहाँ पे x+1 × x+2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस इसको इसके साथ x-2 × x-1 और =3 इधर 3 है और जिसमें हाँ =3 तो अब ये हो जाएगा हमारा x²+2x और +x+2 और +x²-x -2x -1+2 और अपॉन x²+2x-x -2 = 3 अब ये +2x-2x कट गया +x-x कट गया ठीक है तो ये हो गया +2x² + 2+2 = 4 ठीक है +2 + 2 = 4 और अपॉन x² हाँ ये हो गया x² और +x-2 = 3 इसके नीचे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया अब ये 2x² + 4 = 3x² + 3x-6 इन दोनों को हमने उधर कर दिया तो हो गया x² 3x² में से 2x² चला गया राइट तो ये x² हो गया और 3x अब इधर तो कोई x का टर्म नहीं है +3x ही है और ये -6 और -4 -10 = 0 तो अब हो गया -10 तो 5x-2x ये इसका फैक्टर हो गया x² + 5x - 2x 3x हो गया और ऐसे -10x² -10 = 0 तो x कॉमन x plus 5 और -2 कॉमन x + 5 = 0 अब आप इसको ऐसे देखो ये हो गया x + 5 और × x-2 = 0 तो x + 5 = 0 और x-2 = 0 तो x = -5 और इस केस में x = 2 तो ये आंसर आ गया यानी इसके इस जीरोज हो गए यानी कि रूट्स हो गए और अगर मैं इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू पुट करूं तो ये आरएचएस को सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो ये वेरी सॉफ्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे ये दोनों अब है नहीं दोनों थे शॉर्ट आंसर टाइप 1 अब इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा शॉर्ट 3 मार्कर ये जो दोनों मैंने 6-7 बताया जो 5 नंबर क्वेश्चन बताया वो 1 मार्कर क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट आंसर के और 6-7 शॉर्ट आंसर टाइप 1 इसके 2 2 मार्कर क्वेश्चन थे ये दोनों क्वेश्चन अब हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 ठीक है 8, 9, 10 ये सारे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप 2 और ये हो गए 3 मार्कर क्वेश्चन राइट 3 मार्क क्वेश्चन तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3k+1 × x²
एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल हैं, ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स और सब फिर इसके रूट्स भी निकालने हैं, हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल हैं तो वो हमें डी निकालना है, डी को जीरो से इक्वेट करना है क्योंकि इक्वल रूट है, और इसके बाद इसके रूट्स भी निकालो, इसके रूट्स भी निकालो जो आपका के का वैल्यू आ जाने के बाद। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि हियर ए इक्वल टू थ्री के प्लस वन, राइट, बी इक्वल टू आपका टू इंटू के प्लस वन और सी इक्वल टू वन, तो देयर फोर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, टू इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री के प्लस वन इंटू वन। अब ये हो गया फोर इंटू, ये टू का स्क्वायर फोर हो गया और ये के प्लस वन का स्क्वायर भी है, तो ये के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन और माइनस फोर इंटू फोर इंटू थ्री के प्लस वन। अब चाहो तो आप फोर कॉमन ले लो, तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन माइनस थ्री के माइनस वन, राइट, क्योंकि ये हो गया माइनस थ्री के और माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कट गया, फोर इंटू के स्क्वायर माइनस के, टू के माइनस थ्री के, तो अब ये हो गया फोर के कॉमन ले लेंगे के माइनस वन, राइट, ये हमारे डी हो गया। सिंस इट हैज इक्वल रूट देयर फोर डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो यानी कि फोर के इंटू के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर फोर के इक्वल टू जीरो और के माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे के इक्वल टू जीरो और वन, ये दो सिचुएशन आ गए। अब जब के का वैल्यू हमारे पास दो केस, एक बार जीरो लेके चलना पड़ेगा और एक बार वन लेके चलना पड़ेगा और दोनों ही केस में एक्स का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अब हम आएंगे केस वन। केस वन, पुट के इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू जीरो पुट किए, तो जब जीरो पुट किए तो ये जीरो हो गया, तो ये सिर्फ हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस यहां जीरो हो गया तो ये हो गया टू एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो, इससे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये x प्लस वन इक्वल टू जीरो यानी x इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, आप इसको अगर ऐसा सोचते हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि ये जीरो का स्क्वायर यानी x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन, सो एक वैल्यू नहीं देना है, इसके दो वैल्यू देने हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा तो एक वैल्यू नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके हर हाल में दो वैल्यू होंगे, कैसे दो वैल्यू होंगे, तो आप देख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गया ना इसका फैक्टर इक्वल टू जीरो, और एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वन, वन कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वन, और अब इससे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अब एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, तो दो रिजल्ट आ गए ना, इसी तरह इसके दो रिजल्ट देने हैं। अब पुट सेकेंड केस, सेकेंड केस, केस टू में पुट के इक्वल टू, के इक्वल टू वन, एक जीरो हमने पुट किया और पुट के इक्वल टू वन, तो जब वन पुट करेंगे यहाँ पे तो थ्री इंटू वन, थ्री प्लस वन फोर, तो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर और प्लस टू इंटू वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर, तो ये भी हो गया फोर एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब उसी तरह से अगर हम लिखें इसको 2x plus 1 का होल स्क्वायर, तो आपको लगेगा x equal to minus 1 by 2,
तो एक आंसर नहीं आएगा, हमें दो आंसर में दिखलाना है। तो दो आंसर में फिर हम इसको लिख सकते हैं 4x² + 2x + 2x + 1 = 0, और 2x कॉमन तो 2x + 1 हो जाएगा, और 1 कॉमन तो 2x + 1 = 0, और अब ये 2x + 1 और इनटू 2x + 1 = 0, और ये 2x + 1 = 0 और 2x + 1 = 0, तो x = -1/2 - 1/2। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे एक एक आंसर दे दोगे -1 और -1/2 तो आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे, 2.5 मार्क्स मिलेंगे। जबकि अगर आप यहाँ से भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसके भी दो आंसर तो ये आपको फुल 3 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो यही थे क्वेश्चंस 8 नंबर। अब हम आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 9 (a + b)(x) और +2a² + 5ab और +2b² = 0। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो 9x² - 9 (a + b)(x) और +2a² + 5ab + 2b² = 0। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास हियर a = 9 (b = -9 (a + b), c = 2a² + 5ab + 2b² इन जनरल ऐसे क्वेश्चनों में देखा जाता है कि जब हम d करते हैं तो d का वैल्यू कुछ इसी के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे a प्लस b है तो वो a माइनस b, इस टाइप का सिचुएशंस आता है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, यानी d निकालना है, और d का वैल्यू हो जाएगा b² - 4ac, यानी -9 (a + b) का होल स्क्वायर -4 (a)(2a² + 5ab + 2b² और अब ये हो गया 9 - 9 (81) और इनटू a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि a² + 2ab + b² - ये 36 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये 36 इनटू एक बार लिख देते हैं 2a² + 5ab + 2b² अब इसको अंदर करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 81a² + 162ab + 81b² - 72a² - 180ab + 72b² राइट। तो बच्चों क्या बचेगा, 81a² - 72a² तो 9a² और फिर -18ab और यहाँ पे माइनस और -9b² 9 कॉमन ले लो, इस 81b² + 9b² (a² - 2ab + b² मतलब 9 (a - b)² ये हो गया हमारा d, जो कि हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहां आएगा उसका स्क्वायर वो तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, वेयर a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0।
तो अगर ए बी जीरो नहीं है तो उसका जो कुछ भी ए माइनस बी है, चाहे रिजल्ट यहाँ पे प्लस में आए या माइनस में आए, उसका जब हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो वो जीरो से ग्रेटर होगा। तो ये डी हमारा ग्रेटर देन जीरो हो गया, इट मीन्स इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट। तो जब रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख भी दो, इट हैज रियल एंड अनइक्वल अनइक्वल रूट्स। अब आप अल्फा बीटा निकालो, अब आप अगर अल्फा करते हो तो माइनस बी प्लस रूट बी बाय टू ए, तो माइनस बी तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, ठीक है। तो 9 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस रूट बी, तो 3 इंटू ए माइनस बी, क्योंकि वो हमारा आया था 9 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो यही आया था ना डी, तो 3 हो गया और इंटू ए माइनस बी स्क्वायर रूट कट गया था, प्लस रूट डी हो गया बाय 2a, यानी 2 इंटू 9, तो ये हो गया 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाय 18, तो हो गया 12a प्लस 6b अपॉन 18। अब इसमें से 6 कॉमन, 2a प्लस बी अपॉन 18, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 2a प्लस बी अपॉन 3, 2a प्लस बी अपॉन 3, ये हो गया अल्फा और ये बीटा हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, तो माइनस बी यानी कि 9 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस लग गया 3 इंटू ए माइनस बी बाय 2 इंटू 9, तो यानी कि ये हो गया 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b बाय 18, यानी कि 6a प्लस 12b अपॉन 18, फिर 6 हमने कॉमन लिया a प्लस 2b अपॉन 18, तो ये कट गया और ये a प्लस 2b अपॉन 3, तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री और माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 48 अपॉन 7, और यहाँ पे है एक्स डज नॉट इक्वल टू 3 और एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो बच्चों इससे घबराने की बात नहीं है, आपका वैल्यू ऑलरेडी ऐसे आएगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सो एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 3 और एक्स डज नॉट इक्वल टू 3, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको फिर से ये करना है, ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने एक सवाल अभी बनाया था एलसीएम लेके, इस सवाल को भी हमें ऐसे ही बनाना है एलसीएम लेके। तो आप देखो कि क्या बन रहा है एलसीएम लेके, यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 48 अपॉन 7,
और अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो अब आगे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस सिक्स एक्स था तो माइनस सिक्स एक्स हो गया, और प्लस नाइन था तो माइनस नाइन हो गया, और अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया 48 अपॉन 7। तो कभी कभी सवाल देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो अब ये हो गया माइनस 12x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू 48 अपॉन 7। अब आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 84x और इक्वल टू 48x स्क्वायर माइनस 48 इंटू नाइन, तो 50 इंटू नाइन हो गया 450, उसमें से 18 438। अब इसको उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 84x माइनस 438 इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें थोड़ा बड़ा आ गया तो हमें इसको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है। चलो पहले तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो अभी हो गया 24x स्क्वायर और प्लस 42x, ठीक है, 42x माइनस 219 इक्वल टू 0। अब 3 से हमारा कट रहा है, फिर से 3 से कट रहा है, पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन को छोटा बनाया, अभी और फिर 3 से कर रहे हैं तो ये हो गया 8x स्क्वायर और 3 14 जा, तो ये हो गया 40x और माइनस 73, है ना, 73 इक्वल टू 0। अब ये कोई चीज से नहीं कटेगा तो x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 73। अब अगर आपको इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करने में डिफिकल्टी हो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक से निकाल लो, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 14 और c इक्वल टू माइनस 73, ठीक है। तो d आपका निकल गया b स्क्वायर माइनस 4ac, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू माइनस 73, ये हो गया 196 और ये हो गया प्लस, और 73 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 73 को 32 से कर देते हैं, 2 3 6 2 7 14, ठीक है, 6 2 7 14, 3 3 9, 3 7 21, तो 6 2 3 3 6 2 3 3 6 और 196, टू फाइव थ्री टू, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि डी का 2532 2550 का होता है, समथिंग रॉन्ग,
अरे हम लोग एक और काम कर सकते थे, 12 और 48 को यहीं पे काट लेते हैं, राइट, 12 और हमें हमें ये इक्वेशंस बहुत छोटा पड़ जाएगा, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 12 और 48 को आप यहीं पे काट लो, 12 4 जा 48, अब आपका काफी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया -7x, उसमें हमने कहीं कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर दिया था, -7x और ये हो जाएगा 4x² - 36, ठीक है। और अब आप इसको उधर ले जाओ, तो 4x² + 7x - 36 = 0, 4x² - 36, और अब ये इधर है -7x, -7x उधर चला गया तो +7x, राइट, इतना। अब आप देखो 36 × 4, अब इसका फैक्टर करना है, 36 × 4 तो 30 × 120, 144, 144, 16 और 9, 7x हो जाएगा और 144 भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 4x² + 16x - 9x - 36 = 0। प्रीवियस में हो सकता है प्रोबेबली हमने ध्यान नहीं दिया अभी क्या वैल्यू था, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ये आपका आ गया इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने फैक्टर कर लिया, तो +16x - 9x ये हो गया 7x, और मल्टीप्लाई करने पर -144, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आया था। अब 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x और +4, और -9 कॉमन ले लो तो x + 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये फैक्टर हो गया x + 4 और 4x - 9, 4x - 9 = 0, इससे x + 4 = 0 और 4x - 9 = 0, तो x = -4 और ये हो जाएगा 9/4, -4 और 9/4, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, -4 और 9/4। चलो अब हम लोग लॉन्ग आंसर करते हैं, दो सवाल है स्टूडेंट, ये दो सवाल और देख लेते हैं, उसको स्टॉप कर देंगे, MCQ फिर कभी बाद में कर लेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप, 4 मार्कर क्वेश्चन, अब कैसे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 1/2x + 1 और +2x + 1/x - 1 और = 5/2, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे ये पैटर्न है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर, तो लेट ऐसे सवाल, अभी भी हम लोगों ने एक सवाल बनाया था 2x + 1, इसको हम y मान लेते हैं, तो ये y प्लस ये y का रेसिप्रोकल है और = 5/2, तो y² + 1/y = 5/2, तो ये 2y² + 2 = 5y और 2y² - 5y और +2 = 0, तो ये 4y² हो गया, तो अब ये हो गया 2y² - 4y - y, -5y हो गया और मल्टीप्लाई करने पर +4y² और +2 = 0, और 2y common y - 2, -1 common y - 2 और इस तरह से y - 2 और 2y - 1 = 0, और अब हमारा y - 2 = 0 और
और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे y इक्वल टू 2 और इससे y इक्वल टू 1/2। अब केस 1 हम y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, केस 1 पुट y इक्वल टू 2, तो इस कंडीशन में हमारे पास x माइनस 1 या ऐसे ले लो ऑप्शन से y इक्वल टू 2 है ना, नहीं तो लगेगा कि क्या अपॉन में क्या है, पुट y इक्वल टू 2, तो y हमारा क्या है x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 2, x उधर चला गया 2 इधर आ गया, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस x इक्वल टू 4x माइनस x, तो 3x, तो x इक्वल टू माइनस 1। अगर हम लोग y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू माइनस 1 आया, और अगर हम y का वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं तो x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/2, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा 11, हाँ माइनस 1 बिल्कुल, तो इस केस में 2x नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसमें x ही नहीं बचा, तो देयरफॉर सिर्फ यही आंसर हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलो स्टूडेंट्स, तो कभी कभी हमें इस टाइप का सिचुएशन रहता है जिसमें हमें एक पैटर्न दिखता है, हमें एक को y या कोई भी चीज ऐसे मान लेना चाहिए तो दूसरा हमारा 1/y मिल जाता है, और कभी कभी जब ये पैटर्न नहीं रहता तो हम प्रॉपरली एलसीएम लेते हैं। वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि एमसीक्यू हम लोग फिर कभी बाद में करेंगे, अब बहुत टाइम हो चुका है, तो हमने वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 और लॉन्ग आंसर, ये तीनों चीजें देख लिया, इसका एक तरह से रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फिर से एक इक्वेशन है 2/x + 1 प्लस 3/2 × x - 2 और इक्वल टू 23/5x। तो इस तरह से आप लोग को वेरियस टाइप का सिचुएशंस, और x इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू 0 - 1 और 2, 0 - 1 और 2 इस तरह का है, तो आपको वेरियस टाइप का इक्वेशंस अभी इस क्वाड्रेटिक में मेरे पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा, और उस तरह सभी क्वेश्चंस को रिव्यू करो। और अब इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो 2 × x + 1 × x - 2, ये हमारा पूरा एलसीएम हो जाएगा, 2 × this × this, जब इससे जाएगा तो ये पूरा टर्म बचेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस ये बात है 4 × x - 2 और प्लस 3 × इससे जाएगा x + 1, 3 × x + 1 और इक्वल टू 23/5x, और अब ये हो जाएगा 4x - 8 + 3x + 3 अपॉन 2 × x² - 2x + x - 2 और इक्वल टू 23/5x, राइट। सो 4x + 3x हो गया 7x, 7x - 5, -8 + 3 -5 और अपॉन 2 × x² - x - 2, 2 × x² - x - 2 इक्वल टू 23/5x, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, 7 × 5 = 35x²
माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स, ठीक है। और ये 46 हो गया, 46 अब इधर हो गया 46 को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किए, माइनस 46 एक्स, ठीक है। और क्योंकि 23 इंटू 2 46 हो गया है, उसको इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 एक्स स्क्वायर माइनस 46 एक्स, और फिर यहाँ पे माइनस 46 इंटू 2 तो 92, 46 एक्स स्क्वायर माइनस 46 एक्स माइनस 92। अब इनको उधर कर देते हैं, इन दोनों टर्म को 46 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो गया, ये उधर जाकर, फिर उधर ऑलरेडी माइनस 46 एक्स और प्लस 25 एक्स हो गया और माइनस 92 इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया 11 एक्स स्क्वायर और माइनस 21 एक्स और माइनस 92 इक्वल टू जीरो। 11 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स, ठीक है, और माइनस 92 इक्वल टू जीरो। अब आपको फिर से अगर क्वाड्रेटिक ये हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, a इक्वल टू 11, b इक्वल टू माइनस 21 और c इक्वल टू माइनस 92, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस केस में यहाँ पे आपका d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू c माइनस 92 माइनस 92, तो ये हो गया 441 और प्लस 44 इंटू 92 तो 441 प्लस, आप देखो 92 और 44 4048, है ना। तो अब ये हो गया 4400 और 41 और 48 4489, ठीक है। और 4489 कहाँ होगा, तो आप देखो इसको हम लोग कैसे एक आइडियली निकाल सकते हैं, तो 60 होता है किसका, 3600 का, 60 का जो स्क्वायर है वो 3600 होता है, ये मैं मालूम है, और 70 का स्क्वायर 4900 होता है। तो ये जो है 4489 इन दोनों के बीच में है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में होगा। अब लास्ट डिजिट हमारा यूनिट डिजिट 3 है, तो जब यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 हो या यूनिट डिजिट 7 हो, यूनिट डिजिट 3 हो तो 63 का स्क्वायर हो सकता है ये, या 7 हो क्योंकि 77 जब 49, तो ये 3600 के से कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो आप 67 ट्राई कर लो, 67 इंटू 67, तो 77 जब 49 तो बच गया 4, और 76 जब 42 और 4 46, अभी 67 जब 42 बच गया 4, 6 36 और 4 40, तो ये हो गया 9844 यानी 4489। तो ये शॉर्टकट तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, हमने देख लिया कि 3600 का 60 होता है और उसके बाद 4900 का 70 होता है, ये नंबर उसके बीच में है, यानी उसमें भी 60 और 70 के बीच में होगा, तो या तो वो नंबर 63 होगा या 67 होगा, क्योंकि तभी वो यूनिट डिजिट 9 आएंगे, है ना। तो 63 हमने बिल्कुल क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 3600 के बहुत पास था 63 वाला, इसलिए नहीं, इसलिए हमने 67 लिया, तो 67 को 67 से मैं क्रॉस चेक कर लिया, तो ये यही आया, तो रूट डी हमारा 67 आ जाएगा। अब अल्फा इक्वल टू, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया,
अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। अब माइनस बी यानी माइनस आपका बी कितना है इस 21, तो ये हो गया 21 और प्लस ये 67 बाय 2 इंटू ए, ए है आपका 11, तो ये 88 बाय 22, तो ये हो गया 4 जस्ट बोलने, तो ये अल्फा हो गया हमारा 44। और बीटा के बारे में माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2 ए, 2 इंटू 11 है ना 2 ए, यानी कि 21 माइनस 67 अपॉन 2 इंटू 11 राइट, तो 67 ये हो गया 47 तो ये 46 अपॉन 2 इंटू 11, तो यहाँ पे कट गया 23, तो एक आंसर हमारा हो गया 4 और दूसरा आंसर हो गया माइनस 23 बाय 11। बिल्कुल ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे आंसर भी यहाँ होते हैं, हम लोगों ने आंसर भी देख लिया और ऑल 12 क्वेश्चंस हमारा हो गया। तो आज अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और बस आप लोग इस पूरा इसको देख जाना बना जाना, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा जो पहले का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो भी एक दो वीडियोस हमारा पहले का होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा आपके लिए। और बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और उसको कंटिन्यूस देखो, थोड़ा आप कंटिन्यूस इसको देखते रहोगे तो आपको भी बहुत बेनिफिट होगा और मैं भी आपको जल्दी जल्दी फिर वीडियो बना कर देता रहूँगा, और ICSE के बच्चों आपके लिए भी मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगा। So till then, take care, love you all, bye.